चूड़ी जुड़ाई मजदूरों ने दिया धरना, अपनी मांगों को लेकर क्या प्रदर्शन। जनपद फिरोजाबाद में चल रही चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हड़ताल को लेकर करबला क्षेत्र के मजदूरों ने दिया धरना। वार्ड नंबर 7 करबला के पार्षद हित सिंह शंखपार का कहना है, हमारे नेता रामदास मानव जी पे लगाए मुकदमों को वापस किया जाए और चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हर समस्या का समाधान किया जाए। चूड़ी जुड़ाई मजदूर राजेंद्र कुमार शंखवार का कहना है, कारखानेदार जुड़ाई की रेट बढ़ाकर दे जो शासन द्वारा रखी गई थी, अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती है तो हड़ताल को बढ़ाया जाएगा, वह धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, हम चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की प्रशासन जल्द समस्या का समाधान करें। फिरोजाबाद से एडी न्यूज 15 सच आप तक के लिए इरशाद अब्बासी की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहे हर खबर के लिए। क्या नाम है आपका? हमारा नाम हित सिंह शंखवार है, वार्ड नंबर 7 करबला से पार्षद हूँ मैं। आज जो धरना दिया जा रहा है, किस विषय में दिया जा रहा है? ये चूड़ी जुड़ाई मजदूरों की हड़ताल चल रही है 6 तारीख से, और उसमें कुछ गलत तत्व के लोगों ने फैसला किया, जिन्होंने लेबर ऑफिस में जो हड़ताल का नोटिस दिया था हमारे माननीय रामदास मानव जी ने, उनके द्वारा फैसला नहीं हुआ, और उन पर जो केस लगाए गए हैं वो कोई गुंडा नहीं है और ना उन्होंने कुछ किया है, बल्कि जब तक केस वापस नहीं होंगे ये अनशन धरना चलता रहेगा, और उनके हित द्वारा जब तक चूड़ी जुड़ाई का ALC ऑफिस में बैठकर फैसला नहीं होगा तब तक कोई फैसला मान नहीं होगा मजदूरों को, और ना मजदूर अपने काम पर वापस आएंगे। आपकी जो नाराजगी है ये किस पे, मतलब प्रशासन पे है या कारखानेदारों पे? हमारी नाराजगी कारखानेदार और प्रशासन पे है, इनकी हठधर्मी इतनी है कि कोई सीमा नहीं है इनकी। और क्या क्या समस्या है आपकी? हमारी समस्या एक तो बड़ी खराब की कटौती होती है, और चूड़ी जुड़ाई मजदूर को इतना परेशान किया जाता है, मतलब गोदाम पे, तो वो हमारा कहना है कि गोदाम पे माल नहीं जाएगा। और आप क्या चाहते हैं, कैसे निस्तारण होगा इसका? इसका निस्तारण रामदास मानव के ही द्वारा फैसला होगा, और उनके केस वापसी होगी तभी होगा, तभी मजदूर चूड़ी चुड़ाई मजदूर अपने काम पर जाएगा। हम काम नहीं करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र कुमार शंखवार। आज जो धरना दिया गया है इसमें आप क्या चाहते हो, क्या होना चाहिए? चाहते हैं कि मजदूरों की समस्या हल हो, जो शासनादेश लागू किया है सरकार ने उसका परिपालन हो, और ये जो हाईकोर्ट में इन्होंने रिट दायर किए गलत थी है। दूसरी बात ये है कि मिट्टी का तेल इनको समस्या बहुत आसान कर दी जाए, कि ये वापस अपने बच्चों को नहीं खा पड़ाते तो मिट्टी तेल लेके जाते हैं, इनकी मतलब की आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खतरे है, इसलिए मैं शासन से प्रशासन करता हूँ और सरकार से भी अनुरोध कर रहा हूँ कि ये समस्या इनकी जल्दी से जल्द कर रहे हैं, और मानव की जितने भी केस लगे हुए हैं उनके स्वतः ही वापस ले लिए जाएँ, और हाई कोर्ट में रेट पाई है उसको रद्द किया जाए।